हेलो गाइस, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट जो एप्लीकेशन फिलअप करने की वो 29 सितंबर 2021, ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर 2021 है, और लास्ट डेट ही सबमिट करने फीस सबमिट करने की 28 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए इसमें 27 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल वालों के लिए 22 और ओबीसी वालों के लिए 4 और एससी वालों के लिए 1 वैकेंसीज है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें केवल जिसके पास जो छत्तीसगढ़ का डोमेसाइल है वही बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बीई बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल डोमेसाइल जिनके पास डिप्लोमा है वही अप्लाई कर सकता है, और छत्तीसगढ़ का डोमेसाइल अगर आपके पास है, अगर वहाँ आपके आप अगर आप वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी केवल डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वालों के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, पे मैट्रिक्स में बहुत बढ़िया रहने वाला है, 35,400 रुपीज़ से लेके 1,12,400 रुपीज़ तक इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए इसमें 35,470% मिलने वाला है। ठीक है, एज लिमिट इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 19 साल रहने वाली है, और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी 44 साल रहने वाली है, और 45 साल ओबीसी एसटी वालों के लिए रहने वाली है। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ के ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जूनियर इंजीनियर जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1,000 रुपीज़ रहने वाला है। ठीक है, एससी एसटी वाले 700 रुपीज़ इसमें पेमेंट करेंगे, और एप्लीकेशन फीस जमा करने का मोड जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप कर सकते हैं, और किसी मोड से अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट है, मैकेनिकल सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड होने वाले हैं, और भाई 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के रहने वाले हैं। ठीक है, इंटरव्यू इसमें कोई आपका रहने वाला नहीं है, जो भी सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन ऑनलाइन जो सीबीटी आपने दिया है उसकी जो मार्क्स है उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर रहने वाला है, पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा रायपुर में, और 1 सीट के लिए 3 बंदों को बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी मेरिट तैयार होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू इसमें रहने वाला नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, और उसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, डिप्लोमा वाले क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं पेपर, और जो टेस्ट सेंटर होगा वो 4 सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो ये 10 सेंटर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आप जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर करोगे उसके पास उसमें आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी जो आप फॉर्म फिलअप करते समय डालोगे उस पर आपका एडमिट कार्ड ही भेजेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको अपना ई एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, और ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जानी पड़ेगी। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आधार कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, और आपको इन्होंने कहा है कि 2 कलर साइज फोटोग्राफ, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं की है, जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।